हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर से खेल रहे हैं डेड बाय डे लाइट मोबाइल हैज़ अ सर्वाइवल। और अभी हम मैं रोटन फील्ड्स में मैप के साथ, और शुरू में हमारी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो चुकी है और किलर काफ़ी क्लोज है। हमारे एरा डॉक्टर स्मैश किलर है और शायद इसने मुझे देख लिया है। अब ये मेरे पीछे पड़ चुका है और इसने मुझे पहला अपना शिकार बनाने की कोशिश कर ली है। तो देखते हैं कितना देर हम सर्वाइव कर पाते हैं। और यहाँ पे पायलट मैं गिराने वाला हूँ उसे। ये रहा लो, अब जितना हो सके अभी इससे जितना दूर जाया जा हो पाए हमसे, तो हम दूर जाने की कोशिश में। इस तरफ से आ रहा है ये वाला पायलट और मैं सभी पायलट शुरू में ही बेस्ट कर देने वाला हूँ। बिकॉज जितनी देर मैं सभी पायलट में बेस्ट करने वाला हूँ डॉक्टर पर, उतनी देर में अप्रोक्सीमेटली 2 जनरेटर पेयर हो जाने चाहिए। और ये काफ़ी देर मेरे पीछे पड़ने वाला है। यहाँ ये काफ़ी मुझे डेंजर वाली विंडो ले लो दबता हूँ। इस विंडो पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड होता ही हूँ। चलो अब मैं अपने कुछ पर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं लेकर आया हूँ इस मैच में। और सबसे पहला पर्क है हमारी रेजिलेंस, और इसमें होता है 9% एडिशनल स्पीड हो जाती है जब आप किसी को जनरेटर पे करते हो, सेवटेजिंग करते हो, हील करते हो एक्सेट्रा, इन सब में आपकी 9% स्पीड ऐड हो जाती है। और हमारा राइट साइड जो पर्क है वो है एम्पथी, उसमें 128 मीटर आपके 128 मीटर टेरर रेडियस में सर्वाइवल जो इंजर्ड होता है डाइन स्टेज में होता है उसका ओरा आपको रिवील हो जाएगा। और जो हमारी लेफ्ट साइड पर्क है वो है स्प्रिंट ब्रश, वो आपको पता ही होता। थ्री जब आप स्प्रिंट करते हो स्टार्टिंग 3 सेकंड में आपको 150 मैक्सिमम स्पीड मिलती है नॉर्मल से, काफ़ी ज़्यादा 3 सेकंड के लिए। और सबसे नीचे है बोरो टाइम, काफ़ी सर्वाइवल्स इस पर का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इससे होता है जब कोई सर्वाइवल उठ बैठना हो और उसे आप उतारने जाते हो और उसके बाद किलर आपके टेरर रेडियस में हो उस टाइम, मतलब उठते पास जैसे आप सर्वाइवल तो उतारते हो और वो आप तो किलर मारते हैं। आप तो किलर मारने के बाद दूसरे जो हानुक सर्वाइवल तो मारता है तो वो चल जाता है एंड्रॉन स्पीड, एंड्रंस इफेक्ट हो जाता है उससे, जिस वजह से वो वहाँ से बच निकलता है। और इसी साथ यहाँ पर मुझे एडम उतारने आया। ये 4 पर्क मैं लिख के आया हूँ। और किलर यहाँ पर दोबारा से मेरे पीछे, एडम कोशिश कर रहा है कि किलर उसके पीछे जाए, पर यहाँ पर एडम मानने वाला नहीं, सॉरी डॉक्टर मानने वाला नहीं है। इसने ठान लिया है इस मैच में मेरा पूरा का पूरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल जिस तरह से मैं बच निकला हूँ, पता नहीं कैसे बचाऊं, पर बच निकला हूं। तो यहां पे किलर छोड़ देता है पीछा, नहीं छोड़ता है बिकॉज अभी हमारा हार्ट बीट काफ़ी तेज है, इसका मतलब किलर भी हमारे पीछे आ रहा है। तो मैं डिस्टेंस बनाने की कोशिश में हूँ इस मैच में अभी किलर से, और अभी भी मेरा हार्ट यहीं पे है। इसने नहीं मानने वाला ये डॉक्टर, ये मेरा ट्रीटमेंट करते ही मानने वाला है, इससे पहले ये नहीं मानने वाला। यहाँ पर इसे उतारते हैं और यहाँ पर हम स्नैप आउट होने की कोशिश नहीं कर सकते बिकॉज जो किलर है फिर से हमारे पास आ पहुँचा है। ये जैक भी यहीं पे है, ये लोग मैं सारे पैलेट तोड़ रहा हूँ, जितने हो सके सभी तोड़ दूँगा मैं बिकॉज मुझे अपनी जान बचानी है। और एक किलर भी इतना डीट है ना, पीछा नहीं छोड़ने का नाम ले रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से मैच जब से मैच स्टार्ट हुआ है तब से पीछे पड़ा हुआ है। और हम पूरी तरह से मेंटली शॉक हैं अभी। किलर अभी हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, यहाँ पर मैच है तो फिलहाल के लिए जो किलर है हमें छोड़ चुका है। तो यहाँ पर हील कर रही है मैग और यहाँ पर जैक भी आ पहुँचा है। ओ भाई चिल्ला मत, किलर यहीं पे आ जाएगा
अभी हम स्नैप आउट भी होना है हमें। चलो ये लो, जिस बात का डर था क्लियर फिर से यहीं पे आ पहुंचा है। मैं थोड़ा दूर जाने की कोशिश में हूँ, अभी मेरी हार्ट बीट स्लो होती जा रही है। यहाँ पर स्नैप आउट मारता हूँ। ये लो, चिल्लाओ मत, चिल्ला मत, किलर आ जाएगा। तो फिर से हार्ट बीट हमारी तेज, किलर फिर से यहाँ पे आ पहुँचा है। इस तरफ जाऊँ मैं, पूरा मैप तो मैंने पूरा घूम लिया है। जल्दी से स्नैप आउट होना है, हो जाना है मुझे। लो हम स्नैप आउट हो चुके हैं। फिलहाल तो मैं जनरेटरों पर जाने की कोशिश में हूँ। किलर ने किसी और अपना टारगेट बनाया है या फिर नहीं, इस तरफ ही आ रहा है। आ रहा है नहीं, अभी नहीं आ रहा है। मेरी हार्ट बीट स्लो हो चुकी है और यहाँ पे भी जनरेटर था। ये रहा, इसे जल्दी से रिपेयर मारते हैं। ये लो फटा, फिर से यहाँ नहीं। ये लो, कोई तो आ रहा है मेरी तरफ, इंजर्ड है। ये बितोस से मुझे इसलिए शो हो रहा है, बितोस इसे एम्पथी परख की मदद से इंजर्ड सर्वाइवल हमें शो हो जाते हैं। फिर से जनरेटर पर चलते हैं रिपेयर करने की कोशिश। ये लो किलर मेरा पीछे फिर से, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। विंडो में हेलो, विंडो मोस्ट टाइम विंडोज बहुत मरवाती है। ये वाला पैलेट टूटा हुआ है। किलर ने फिर से हमारे इस बार बचा। मुझे लगा यहीं पे टपकने वाला हूँ, पर नहीं, बच गया। ये पैलेट असली है। किलर फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोशिश यही रहने वाली जितना दूर हो पाए, दूर ही रहना है। चलो अंदर चलते हैं डंजन में, बेसमेंट तो नहीं जाना। ये रहा एडम, बाहर जा, यहाँ से आ रहा किलर। आई होप अब मेरा पीछा छोड़ दे। फिलहाल के लिए किलर ने मेरा पीछा छोड़ दिया और जल्द हम जनरेटर रिपेयर, पहले स्नैप आउट हो आ जाए। नहीं मान रहा किलर, फिर से मेरी हार्ट बीट तेज। ये लो पीछे ही है मेरे, मुझे एरो शो हो रहा है, इसका मतलब है मेरे पीछे ही है। मेरे स्क्रैच मार्क के पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं देर आने वाला है। ये इस तरफ एडम, ये बच जा रहा है एडम, बार बार बच रहा है, छुप जा रहा है बार बार। तो फिलहाल हमें दो जनरेटर रिपेयर करने के लिए बचे हैं। अभी तीन जनरेटर रिपेयर हो चुके हैं और यहाँ पर भी है जनरेटर और किलर। ये लो सब तो नहीं, अब किलर छोड़ दे मेरे पीछे तो काफ़ी अच्छा रहे। ये लो किसी और से पीछे, जैत के पीछे बड़ा है मेरे आइडिया से। पहले तो मैं यहाँ पे स्नैप आउट मारने की कोशिश में हूँ इन पैलेट के पास। नहीं चिल्लाओ मत, किलर आ जाएगा। उठ जा उठ जा, ऑलमोस्ट होने ही वाला हूँ, उठ जा। लो अब हम स्नैप आउट हो चुके हैं और हम चाहेंगे भाई रिपेयरिंग जनरेटर पर उसे रिपेयर करेंगे मिलकर मैल के साथ। उसके बाद देखते हैं क्या हो पाता है मैच में। चलो इस जनरेटर को रिपेयर करते हैं, फिर हमें लास्ट हील करना चाहती है। लोग करो हमें हील,
और हम पूरी तरह हील हो चुके हैं और दो जनरेटर और एक जनरेटर ऑलमोस्ट रिपेयर होने ही वाला है। ये लो तो इसका टांग भी दिए नीचे, तो चलो उसे बचाने चलते हैं। मुझे लगेगा 100% जो 100% जो डॉक्टर है ना वो कैंप करने वाला है। भी तो उस लास्ट जनरेटर बचा है, वो किसी और से पीछे पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ये चलते देखना पड़ेगा कैंप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हो रहा है, कैंप ही हो रहा है इस तरफ से। कैंप ये किलर पूरी तरह से यहीं पे है। वो नहीं चाहता कि जो सर्वाइवल उसने टांदा है उसे छुड़ाया जाए, बट लेट्स सी हम उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। फिर छूट पाता है या ना छूट पाता वो बात की बात है, हम छुड़ाए तो सही है ना। तो चलो बिना देरी एकदम से घुस जाते हैं अंदर। लो एकदम से जुट, चलो उतारते हैं इसे। एडम जो बड़ी देर से ऊपर जनरेटर रिपेयर कर रहा था, और फिलहाल हम भी यहाँ पर बच निकले सभी थे सभी। पता नहीं किलर अब कौन सा अपना यहाँ पे तो नहीं, चलो किसी और पता नहीं किसके पीछे पड़ा हुआ है किलर। तो हम यहाँ पर जनरेटर था जो एडम बड़ी देर से रिपेयर करने की कोशिश में था, बट उससे हुआ नहीं। ये लो ये इतना सा एडम, तूने इतना सा ही जनरेटर रिपेयर किया इतनी देर का। मैं दो बार यहाँ से आर पार हुआ पर इसका जनरेटर रिपेयर नहीं हुआ। तो फिलहाल मुझे लग रहा है ये डॉक्टर साहब यहीं पे पैरा देने वाले हैं इस जनरेटर का। तो हम किसी और जनरेटर पर चलते हैं दूर वाले, जहाँ पर डॉक्टर ना पहुँच पाए। तो ये जनरेटर है, काफ़ी दूर है, तो इसे रिपेयर करेंगे हम। स्नैप आउट ज़रूरी है, यहाँ पर हम स्नैप आउट हो चुके हैं और ये जनरेटर फूट रहा है बार बार। तो इस जनरेटर को रिपेयर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और ये जनरेटर ऑलमोस्ट रिपेयर हो ही गया। और यहाँ पर आ रहे हैं एडम और जैक हाथ बटाने, और ये जनरेटर रिपेयर। तो किलर भी हमारे आसपास कहाँ पे है ये रहा, ऐसे ना अब बच्चा मैं फंसाना तो ये मुझे छोड़ने वाला तो नहीं है, 100% नहीं छोड़ेगा मुझे। बिकॉज लास्ट सर्वाइवल तो ऐसे तैसे अच्छा आसानी से जाने दे। फिलहाल तो हम यहाँ से बचने की पूरी कोशिश पे है, पर हमारी कोशिश पूरी होती है या फिर नहीं वो तो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है मैच में। तो हम चल रहे हैं एसिड डेट की तरफ। बांस और ये वाला एसिड डेट तो ओपन अभी तो नहीं है, तो अब बचा लास्ट वाला एसिड डेट। काफ़ी दूर का सफ़र है, हमें अभी तय करना है। ये लो डेट ओपन हो चुका है और मैं 100% श्योर हूँ वो डेट ही ओपन हुआ है। बिकॉज वो ही डेट बचा है जहाँ पर मैं अभी किया नहीं हूँ, तो वहीं पे जाने वाला हूँ। आई होप किलर मुझे ना टपका दे, और हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इसी साथ आप तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और मैं मिलता हूँ आप तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।